यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 24 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। वहीं हाई स्कूल की परीक्षा 10 मई और इंटरमीडिएट की परीक्षा 12 मई को समाप्त होंगी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2021 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 1-7 दिनांक 24 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होंगी। हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा 12 कार्य दिवसों में संपन्न होकर दिनांक 10 मई को समाप्त होंगी। वहीं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 15 दिवसों में संपन्न होकर दिनांक 12 मई 2021 को समाप्त होंगी। उन्होंने बताया कि विगत वर्ष 2020 में भी हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा 12 कार्य दिवसों में तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा 15 कार्य दिवसों में संपन्न हुई थी। उप मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि वर्ष 2021 की हाई स्कूल परीक्षा में 16,74,022 बालक तथा 13,20,290 बालिकाएँ कुल 29,94,312 परीक्षार्थी और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में 14,73,771 बालक तथा 11,35,730 बालिकाएँ कुल 26,09,501 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए हैं। दोनों परीक्षाओं में समग्र रूप से 31,47,793 बालक तथा 24,56,020 बालिकाएँ कुल 56,03,813 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। वर्ष 2020 की हाई स्कूल परीक्षा में 30,24,480 तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा में 25,86,339 कुल 56,10,819 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे। उप मुख्यमंत्री ने परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं को संदेश दिया कि परीक्षा की तिथियों की घोषणा समय से कर दी गई है। छात्र छात्राओं को परीक्षा की तैयारी के लिए काफ़ी समय मिला है।